क्या आप कमांडो ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है? लेकिन मिट्टी से फौलाद बनने की राह इतनी आसान नहीं होती। ब्लैक कैट कमांडो बनने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए आर्मी, पैरामिलिट्री या फिर पुलिस में होना जरूरी है। आमतौर पर आर्मी से 3 और पैरामिलिट्री से 5 साल के लिए जवान एनएसजी कमांडो के लिए आते हैं, जिसके लिए जवान के लेवल पर उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं कमांडो बनना चाहता हूँ सबसे पहले देश के लिए, और इन्फेंट्री के बीच में ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती जो कि एक कमांडो अपने एनएससी के बीच में उसे अच्छी तरह से परिपूर्ण तरीके से वह ट्रेनिंग दी जाती है। जब उग्रवादी कहीं पर भी आकर घुस जाता है उसको मार भगाने के लिए हम यहाँ पर कमांडो ट्रेनिंग लेते हैं। क्या आप लोग एनएससी में कमांडो ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है? आपकी जो ट्रेनिंग है अगले 12 हफ्ता तक। पर सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। ब्लैक कैट बनने के लिए बाकायदा फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। मेंटल एजिलिटी, ये देश की सबसे कठिन ट्रेनिंग है कमांडोज के लिए। 12 सप्ताह के अंदर आपको एक ट्रेन कमांडो बनना है। कमांडो जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं उनकी फिटनेस लेवल नॉर्मल रहते हैं। जब आप फिटनेस लेवल स्क्रीनिंग में पता चल गया उसका बाद हम उनको ग्रेजुअली 12 हफ्ते के अंदर उनको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारा जो ट्रेनिंग बनाया है उस मुताबिक हम ट्रेनिंग देते हैं, जिसके द्वारा हमारा एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, ये सारा फिटनेस फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेनिंग को आगे बढ़ते हैं।